अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अख्तर और आज की हम इस वीडियो में अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ जो हमने पीसी पे इंस्टॉल कर रखा है उसको हमने हवाई मोबाइल के साथ कनेक्ट करवाना है। तो जैसे ही आप अपनी यूएसबी केबल अटैच करेंगे अपने पीसी के साथ तो आपको इस तरह सा एक जो है ना शो हो रहा होगा सीडी ड्राइव एच हाइश शूट, इस पर आपने क्लिक करना है तो वो आपसे मांगेगा डाउनलोड। ये कुछ टाइम लगाएगा इस डाउनलोडिंग करने में, उसके बाद ये हो जाएगा डाउनलोड। ये डाउनलोड हो रहा है तो जी ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये इंस्टॉलेशन उसने मुझसे मांगा तो मैंने यस किया, तब ये इंस्टॉल होने जा रहा है। एक्स करना है, एग्री करना है तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो दूसरी बात ये बता चलो कि आपके पास जो हवावे मोबाइल है उस पर भी हाई शूट इंस्टॉल होना चाहिए, तो मेरे मोबाइल पर वो इंस्टॉल है। दूसरा ये मांगेगा कि एच अपने सेटिंग पे जाना है तो आपने एच डी बी लिखना है। वहाँ पे जब एच डी बी लिखेंगे तो दो आपके पास मेन्यू शो हो रहे होंगे, ए पे अलाउ हाई शूट टू यू एस बी एच डी पी, ये होगा। इस पे आपने जा के करना होगा क्योंकि ये मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, लेकिन जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो इंस्टॉल हो चुका है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब अपने मोबाइल का जो है हाई शूट है ना उसको कर लेना है ओपन, और ये उस वक्त करना है जब आपने अपने मोबाइल को जो पहले में बताया है वो चीज़ सेट कर लेंगे, एच डी बी सर्च मार के उसको इनेबल कर लेंगे। तो अब मैं हाई शूट ओपन कर रहा हूँ इधर से, तो मुझे इस मोबाइल वाले जो हाई शूट है इस पर मुझे कोड एक शो हो गया। अब कोड आपने यहाँ पे करवाना है, यहाँ पे मांगे गए थोड़ा टाइम लगा के, तो यहाँ पे हमने वो कोड देना होगा। यूएसबी तो कनेक्टेड है लेकिन कोड क्यों नहीं मांग रहा। तो ये जी कोड मांग रहा है मुझसे, तो मैंने इसको कोड देना है 8 डिजिट का है मोबाइल वाले हाई शूट से। तो ये कोड है इसका वो मैं दे रहा हूँ, तो ये आपको उस वक्त शो करेगा जब आपने ना मोबाइल की सेटिंग में जाके वो अपने डेवलपर के ऑप्शन में आपने डिबगिंग मोड चैनल को इनेबल कर देना है तो ये तब शो करेगा। अच्छा सॉफ्टवेयर भी मेरे शो करवा रहा है कि आपने ये सारा कुछ कर रखा है। ठीक है, या मेरी ये डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है तो वो मुझसे मांग रहा है, ये देखें अलाउ कनेक्शन इन एच डी बी मोड, जी हाँ मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो आपने काम करना है, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो आपने ओपन कर रखा है तो आप देखें ऑटोमेटिकली इसने डिवाइस क्या करवा दिया, कनेक्ट करवा दिया, जैसे मैंने वहाँ से हाई स्पीड से कनेक्ट करवाया, अभी करवाया उसने। तो ये कैसे ऑटोमेटिकली, लेकिन आपने ऐसा कर लिया है लेकिन आपको शो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से डिवाइस आपको शो नहीं करवा रही। ठीक है, एक तो यह था कि यहाँ पे यहाँ क्रेडल के साथ आपको एसिड शो कर रहा होता है, वहाँ से आपने ए टी बी डिटेक्ट करवाना होता है तो आपको बता रहा था कि आपका नियर बी जो है ना ये चीज़ है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। तो आपने अपना काम अगला क्या करना है ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, सेटिंग में जाना है अपने मोबाइल की। तो ये सेटिंग ओपन हो चुकी है लेकिन ये चीज़ मैं इनेबल करके इसलिए दिखा रहा हूँ पहले क्योंकि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर उनको डिसेबल कर दूँ उसको तो ये आप स्क्रीन पे नहीं देख सकेंगे। तो ये आप सेटिंग आ रहे हैं लास्ट में ना सिस्टम है, ये देखें सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद ये टॉप पे है अबाउट फोन, अबाउट फोन पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये देखो तीसरे नंबर पे वर्ल्ड नंबर है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो कहेगा आप ऑलरेडी डेवलपर हो, देख रहे थे कि डिवाइस मेरी जो थी वहाँ पे लोड हो चुकी थी जो है ना एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो इसलिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था। यहाँ पे देखें वर्ल्ड नंबर नो डी यू आर ऑलरेडी डेवलपर, तो आपने 5 या 7 बार यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको बताएगा कि आप डेवलपर बन चुके हैं। तो आपने पीछे बैक चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करके बैक चले जाना है। अब मैं बैक आ गया हूँ, बैक आने के बाद देखें ये नीचे डेवलपर ऑप्शन आपको शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखें डिवाइस पर ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं और नीचे आना है, दो चीज़ें आपने इनेबल करनी है, एक है ये डिबगिंग यूएसबी डिबगिंग ये चीज़ शो हो रही है इसको आपने इनेबल कर लेना है। दूसरा आपने क्या कर देना है वेरीफाई एप्स अवर यूएसबी, ये दो चीज़ें आपने इनेबल करनी है। तो इसके बाद आपकी जो डिवाइस है वो आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये दो काम करने हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैंने नहीं बता सका था क्योंकि ये मैं स्क्रीन इनेबल नहीं थी,
सबसे पहले जब आप इंस्टॉल कर ले होते हैं अपना हाई सूट, तो आपसे एक चीज मांगता है HDB, वो शाम पे शो भी हो रहा था। तो HDB आपने अपनी सेटिंग पे आके ना, सबसे पहले जब आपने हाई सूट को इंस्टॉल करना है, HDB जो आपसे मांगता है, तो HDB लिखेंगे तो ये देखिए अलाउ हाई सूट टू यूज UHDB, तो आपने इसको कर लेना है अलाउ हाई सूट टू यूज HDB इनेबल, हाई सूट यूज HDB इनेबल, तो ये करना था। इसके बाद आपका जो है ना वो कोड स्नैक मैच करके स्नैक क्या कर रहा है, वो स्कैन कर रहा होता है। तो ये तो थे वीडियो, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले से कनेक्ट किया हुआ था इसलिए। तो आपने जैसे ये तीन काम करने थे, आपका ये जो हाई सूट जो है ना आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होना था, तो यहाँ पे आपकी डिवाइस जो है ना वो शो हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है सिंक ग्रेडल पे, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है वो चलना शुरू हो जाए। ग्रेडल बिल्ड रनिंग पे मैंने क्लिक कर दिया, इधर से मैं वापस आ गया। देखिए आप हेडफॉन जो है ना वो मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको नजर आ रही है, अब ये देख रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के नीचे वो कहता है ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 1 मिनट 35 सेकेंड एंड 519 मिली सेकेंड। तो देखिए इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश, तो इंस्टॉल भी सक्सेसफुली हो रहा है। अब यहाँ पे ये वेटिंग फॉर डिबगर, तो जी अब ये रन हो चुकी है VSC प्लेयर मेरे मोबाइल फोन पे, ये देखें आप देख रहे हैं कि रन हो चुका है। ये रन हुआ पड़ा है, ये देखो इंस्टॉल हुआ, लोड कर रहा है थोड़ा, ये इंस्टॉल हुआ पड़ा है। इसके पे क्लिक करके मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखें आप ये ओपन हो चुका है। तो ये तो थी वीडियो के हमने अपने हवावे मोबाइल किस तरह एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करना, इसी तरह अगर दूसरे मोबाइल भी आपने कनेक्ट करना है तो इसी तरह आपने वहाँ पे बिल्ड, वहाँ पे यहाँ पे बिल्ड नंबर लिखा हुआ था, तो वहाँ पे बिल्ड फंक्शन या इस तरह का कुछ और पूछ रहा होगा, वो इस तरह का होगा, आपने उसको 7 बार क्लिक करना है, तो वो भी इस तरह आपको डेवलपर का ऑप्शन शो करेगा, वहाँ पे भी आपने ये दो चीज़ें जो इनेबल करनी है। तो उम्मीद है आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को पसंद आया तो जहर सी बात है फिर हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब अख्तर बास खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।